नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अंकित पांडे फ्रॉम भारत में। इस वीडियो में बात करेंगे बॉट ब्रो के बारे में। फॉरेक्स ट्रेडिंग में हर कोई यहां पे पैसे कमाना चाहता है और पैसे कमाने के लिए यहां पे कोई भी मैन्युअली टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा है, तो ज़्यादातर लोग यहां पे ऑटोमेशन का इस्तेमाल करके यहां पे प्रॉफिट कर रहे हैं। तो क्या यहां पे बॉट ब्रो का इस्तेमाल करना सही रहेगा या फिर यह हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या फिर यहां पे एक स्कैम है? तो इस वीडियो में हम बॉट ब्रो को यहां पे पूरा डिटेल्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं, हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए या फिर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे बात करेंगे आखिरकार बॉट ब्रो है क्या। बॉट ब्रो एक ट्रेडिंग बॉट है जो आपको फॉरेक्स मार्केट में आपके लिए ट्रेड करता है। तो मतलब आपको मार्केट के यहाँ पे चार्ट्स पैटर्न्स एनालाइज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये बॉट खुद मार्केट के चार्ट्स पैटर्न्स न्यूज़ वगैरह को एनालाइज करता है और यहाँ पे खुद डिसीजन लेता है, खुद बाई करता है और सेल करता है। अब यहाँ पे बात आती है बॉट ब्रो का इस्तेमाल कैसे करना है। बॉट ब्रो का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जो भी आपका यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट है और जो आपका बॉट ब्रो है, तो बॉट ब्रो को आपके अपने ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक करना पड़ेगा। आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी पैसा है उसको पूरा यहाँ पे जो मैनेज होगा वो बॉट ब्रो करेगा। बॉट ब्रो जैसे यहाँ पे मैनेज करता है, वो इसके साथ साथ मार्केट को एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद जो भी उसकी स्ट्रेटजी है वो उसमें पहले ही डेवलप की गई है, ठीक है ना। तो मार्केट को ट्रेंड्स को एनालाइज करेगा और यहाँ पे क्या उसका पैटर्न्स बन रहा है, क्या न्यूज़ है, उसके बिहाव पे वो डिसीजन लेगा कि उसको यहाँ पे करना क्या है, क्या कब यहाँ पे उसको बाई करना है, कब उसको सेल करना है। तो वो उस मोमेंट का जो है वेट करता है। वेट करने के बाद वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे बात निकल के आती है बॉट ब्रो को यूज़ करने के बेनिफिट क्या क्या हैं। अगर आप यहाँ पे बॉट ब्रो का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले ये है कि अगर आप बॉट ब्रो का इस्तेमाल नहीं करेंगे, खुद ट्रेड लेंगे, तो आपको यहाँ पे मैन्युअली एक्टिव रह करके काम करना पड़ेगा। फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे चलता है, ठीक है, आप यहाँ पे 24 घंटे काम नहीं कर सकते। बॉट ब्रो आपके लिए यहाँ पे 24 घंटे काम कर सकता है। सेकंड, अगर आप यहाँ पे जैसे मार्केट को एनालाइज करते हैं, ठीक है, न्यूज़ वगैरह एक्टिव, मतलब आपका इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाया जाता है, तो बॉट ब्रो यहाँ पे खुद मार्केट के चार्ट्स पैटर्न्स न्यूज़ वगैरह हर एक चीज़ में खुद यहाँ पे एक्टिव रहता है। इसके साथ साथ खुद एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद वो यहाँ पे फास्ट डिसीजन ले लेता है। अगर हम जैसे ह्यूमन है तो हमें यहाँ पे न्यूज़ भी देखनी है और न्यूज़ देखने के साथ साथ मार्केट के चार्ट्स पैटर्न्स यानी कि सबको मतलब उसका कैलकुलेशन निकालना पड़ता है। कैलकुलेशन निकालने के बाद हमें यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें यहाँ पे मतलब बाई करना है या सेल करना है। बट यहाँ पे जो आपका बॉट ब्रो होगा वो फास्ट डिसीजन लेगा, वो आपका यहाँ पे इमीडिएट डिसीजन ले लेगा कि उसको यहाँ पे बाई करना है या सेल करना है। तो यहाँ पे जो हम इंसान होते हैं, हम लोगों का एक मतलब इमोशंस होता है, उसके अंदर ऐसा कोई भी इमोशंस नहीं होता है, ठीक है। वो डायरेक्टली यहाँ पे ऑन द स्पॉट डिसीजन ले लेता है कि उसको यहाँ पे बाई करना है या सेल करना है, कब यहाँ पे एंट्री करना है, कब यहाँ पे एग्जिट ले लेना है। तो सारा कुछ उसके अंदर पहले ही इसके अंदर जो स्ट्रेटजी फीड की गई है उस स्ट्रेटजी के बेस पे वो यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रॉफिट निकाल करके देने की कोशिश करता है। अगर आप फॉरेक्स मार्केट में बिगिनर्स हैं, अभी नया है, तो ये आपको ट्रेड वगैरह लेने में मदद करता है। अब यहाँ पे जो लोग बॉट ब्रो का इस्तेमाल नहीं किए हैं उनके मन में सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या यहाँ पे बॉट ब्रो सच में हमें यहाँ पे फायदा देता है या फिर बॉट ब्रो एक स्कैम है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, मार्केट में हर तरह के ओपिनियंस देखने को मिल रहे हैं। हर तरह के लोग हैं जिनका ओपिनियंस ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि हमने बॉट ब्रो का इस्तेमाल किया है और हमारा यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है और आज भी हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। बट यहीं पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनका कहना ये है कि हमने बॉट ब्रो का इस्तेमाल किया था और यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिला है, ठीक है। तो दोनों तरह के यहाँ पे ओपिनियंस देखने को मिल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि आप इसके पहले रिव्यू पढ़िए। रिव्यू पढ़ने के बाद अगर आपका कोई भी सर्कल में बॉट ब्रो का इस्तेमाल कर रहा है तो उससे आप मिलिए, उसका स्टेटमेंट वगैरह देखिए, उसकी ट्रेड वगैरह देखिए। ट्रेड देखने के बाद मतलब इसके रिव्यू, इसका मतलब रेटिंग देखिए ऑनलाइन। तो अब यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है, क्या हमें बॉट ब्रो का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले आप बॉट ब्रो का बैक टेस्टिंग करवाइए। बैक टेस्टिंग करवाने के बाद जो भी आपका यहाँ पे डेमो अकाउंट है, पहले आपको डेमो अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद इस बॉट को अपने उस डेमो अकाउंट में रन कराइए और आप देख लीजिए कि करेंटली मार्केट पे ये कैसा आपको रिजल्ट दे रहा है। अगर बॉट ब्रो आपके डेमो अकाउंट में प्रॉफिट दे रहा है, आप इसको एक हफ्ते दो हफ्ते टेस्ट करिए पहले, ठीक है, अपना रियल मनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अगर आपको डेमो में प्रॉफिट हो रहा है और आपको लगता है कि ये बॉट एक प्रॉफिटेबल बॉट है और आपका फ़ायदा कर सकता है, तो ही आप यहाँ पे अपना रियल मनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। उसके पहले आप किसी भी प्रकार से यहाँ पे अपना मनी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, पहले आप डेमो में ट्राई करिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे रियल मनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है बॉट ब्रो के लेकर के या फिर फॉरेक्स मार्केट को लेकर के, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा हर एक लेटेस्ट वीडियो की जो अपडेट है आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ।